नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको क्राफ्टसाइनर इस मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। इसका उपयोग कैसा कर सकता है, प्रमाण क्या है, किस प्रकार का फसलों पर हम इसका स्प्रे ले सकता है, पूरे जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हूँ। इसका उपयोग हम खराब हवामान में पीकों का रक्षण के लिए हम इसका स्प्रे ले सकता है। सब्जियां और फलों पर इसका हम उपयोग कर सकता है। खराब न होने के लिए, फसलों के खराब कम करने के लिए हम इस मेडिसिन का स्प्रे कर सकता है। सभी फसलों पर थ्री ml पर लीटर डाल के हम इसका स्प्रे कर सकता है। फसलों पर पूरे 30 दिनों में और फास्ट दिनों में एक बार हम स्प्रे ले सकता है इसका। सब्जियों में भी हम इसका स्प्रे ले सकता है। इस मेडिसिन में हम अलग औषधों का कॉम्बिनेशन भी कर सकता है, जर्मिनेटर, थ्राइवनर, राइफनर, प्रोटेक्टम, प्रोटेक्टेंट, प्रिज्म, न्यूट्राटॉन। इस मेडिसिन का हम इसमें डाल के हम स्प्रे कर सकता है। पूरे अच्छे तरह से रिजल्ट आने के लिए, धानों के बढ़ाने के लिए और सूक्ष्म अन्न पोषकों का निर्माण करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकता है। अंगूर, अनार में भी इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे ले सकता है। एक बार क्राफ्टसाइनर स्प्रे करने के बाद पूरे 10 दिनों तक काम करता है। 10 दिनों के बाद इसका स्प्रे लेना है और बारिश के होने के बाद आधा घंटे के बाद हम इसका स्प्रे करना है। हम क्राफ्टसाइनर को मार्केट में ट्रांसफर करते समय इसका ताजा भरकर रखते हैं, इसलिए हम इसका स्प्रे करना है। बुरी हवामान में विपरीत प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए हम क्राफ्टसाइनर का स्प्रे ले सकता है। पत्तों तुरों का सिड़कुड़ान, अक्सा कलहल तुरोग, इसलिए बचाने के लिए हम और चमक बने रहने के लिए हेतु से हम इसका स्प्रे कर सकता है। सभी सब्जियां और फूलों पर अंगूर, अनार, पपाई, सेब, आम और सभी फसलों पर हम इसका स्प्रे ले सकता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक सूक्ष्म पोषण का फेड़ों पर निर्माण करता है इसका स्प्रे करने के बाद। पेड़ों में स्टेमिना अच्छा तरह से रुक जाता है, इसलिए हम इसका स्प्रे करना है। नमस्ते।